तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली लाजपत नगर, क्योंकि पहले प्लान फ्लॉप हो गया था हम लोगों का। तो आज हमने सोचा कि हम लाजपत नगर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम लाजपत नगर जा रहे हैं, हम मेट्रो स्टेशन है, अब हम लोग एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन आया है। सचिन और आकाश और देव नहीं आया है, क्योंकि उसको कहीं कुछ काम था तो वो कहीं गया हुआ है। और हम तीनों आए हैं, तो हम तीनों आपको दिखाएंगे लाजपत नगर की शॉपिंग कि हम कैसे करें। और मेट्रो आ चुकी है, देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं मेट्रो के अंदर, और ये हमारी मतलब डायरेक्ट लाइन है। हमने पिंक लाइन ली है क्योंकि हम ब्लू लाइन ले रहे तो हमें दिक्कत होगी इस वजह से। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। अब हम लोग एग्जैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है लाजपत नगर में, क्योंकि राखी भी आ रही है इस वजह से। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज की विजिट हमारी। तो गाइस, ये भालू जैसा दिख रहा है आपको, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, मगर देख सकते हो ये ऐसा लग रहा है, बता नहीं कौन सा भिखारी है। इसके कपड़े मांग के लिए आए ये लड़का, हमें समझ नहीं आ रहा। और सचिन कहाँ पे, सचिन मेरा, और सब धीरे धीरे चल रहे। तो गाइस देख सकते हो कि आओ, तो देख सकते हो बैटरी रिक्शा नहीं है, तो यहाँ पे यही रिक्शा था, तो हमने यही इसी रिक्शे में जा रहे हैं। और हम तीनों बहुत एडजस्ट होके बैठे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम लोग लाजपत नगर मार्केट आ चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा। गाइस, आकाश पहले आ चुका था, उसमें एक छोटी सी में स्पेस थी था बिल्कुल, और कूद के आ गया, बट कोई नहीं, अब हम कर रहे हैं एंट्री ये। और ये देख सकते हो लाजपत नगर की मार्केट, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं नहीं आई हूँ कभी भी, और ये मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे। चलो देखते हैं कुछ अच्छा सा खाऊंगी, बट मुझे इतना नहीं पता लाजपत नगर का, मैं सरोजिनी नगर बाकी मार्केटों का बता सकती हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है मेरा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मुझे कोई सूट अच्छा नहीं लगा, तो हम आगे चलते हैं। मैं एक ही बार बन जाती तो मुझे सूट अच्छे लगने लग जाते हैं, बट अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से हट गई। एग्जैक्ट हो गई, ये 1550 का है ब्लाउज, और इसकी स्कर्ट 2000 की, और ये वाला, ये जंप सूट है, ये वाला ये इसका भी है ना, इसे स्कर्ट है। आ जाओ, मैं इसलिए आई थी, मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पे। मुझे कुछ स्कर्ट और ब्लाउज मिल जाएगा। गाइस, हम 650 वाला भी देखेंगे, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको, मुझे अच्छा लग रहा है सिंपल। तो गाइस, हमने देखा और मतलब काफ़ी अच्छा था वैसे, है ना, है ना काश। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगा, तो आप देख सकते हो, कभी भी आओ तो विजिट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाजपत नगर मार्केट का थोड़ी कॉस्टली है, बट कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं और भी मार्केट्स गई तो मुझे इतना नहीं लगा। यहाँ पे नॉर्मली स्कर्ट सिंपल सी 600 की थी, तो थोड़ा मुझे लगा। चलो बिल्कुल जैसे गाउन में है सूट दिखाना,
गाउन में सूट चाहिए आपको या वन पीस चाहिए? वन पीस में मतलब सूट वो लगा है गाउन कर दिया ऐसा नहीं कुछ इसमें इनमें सेट चाहिए थ्री पीस कितने का है? 1400 रुपए पड़ेगा स्टिक दे दे दुपट्टे इधर देखो ना तो ये कितने का है? 1400 रुपए का है 1200 रुपए पड़ेगा ये 1400 का है तो 1200 रुपए का पड़ जाएगा डिस्काउंट और दिखा दो और इधर लगे पड़े पर देखो मैडम का चैनल लाइक करो फॉलो करो इसकी पैंट है आपका साइज है ये देखो फोन करके मैंने पूछा कि मुझे सूट अच्छा लगा तो मैं ले सकती हूँ बट ये अच्छा हो सके बट अच्छा लगा ये वाला है ना गाइस यहाँ पे भी सूट आप देख सकते हो और चलो यार हाँ मुझे लटकन भी मिला सही मिले तो सही चल बोला सुंदर लग रहा है भैया लटकन दिखाना और नहीं है लंबे में ये है तो ये मुझे अच्छी लग रही है तो मैं सोच रही ये लूं और राखी के लिए अगर हम भैया से और भी पूछते हैं और सुंदर हुई तो और भी ले भैया और है तो और दिखा दो इस मेरी साड़ी के लिए लटकन नहीं थी तो मुझे बहुत दिन से नींद हुई थी लटकन की तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से कि मैं आऊँगी लाजपत नगर तो ज़रूर लेके जाऊँगा तो मैं अब आई तो लेके जाती हूँ फाइनली और नहीं है इसमें हैवी में थोड़ा बट कोई नहीं मैं पहले आगे देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं ये लेके जाऊँ अच्छी लगी तो दो तीन चीज़ें समझ में भी आई बट कोई बात नहीं हमें आगे नहीं मिला तो हम इसी इन्हीं भैया के पास आके इनकी शॉप से लेके जाएगी फिर वो लोग कुछ कम नहीं होएगा आपके लिए चाहिए साइज परफेक्ट है लेंथ भी कलर देखो एक आएगा एम्ब्रॉयडरी में एक आएगा तो गाइस ऐसे कपड़े भी मिलते हैं जिससे आप सूट बना सको तो मैं देखती हूँ कुछ मिल जाए तो मुझे अच्छा मैं बहुत दिन से ढूंढ भी रही थी और हैवी में नहीं है भैया अंकल इसमें जैसे कोई ब्लाउज वगैरह बन जाए दिखा दो एक बार कैसा है कपड़ा मुझे
देखो 250 रुपए का, 250 का कितना प्यारा लग रहा है। ये सारे 250 के, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे एयरिंग्स बहुत जरूरी है और ये पर्स देर से छुपा के लिए। पता है मेरे वो पर्स कितनी कलेक्शन है पर्स की? बहुत सारी किंग्स किंग्स और क्या बोलते हैं सेलेटोस, मैंने सारे ब्रांड के पर्स खरीदे हैं, मगर तब भी मेरे पास कसर रह जाती है, मैं खरीदने आ जाती पर्स। चलो हम एयरिंग्स लेते हैं यार, एयरिंग्स जरूरी है जो काम। तो मुझे थोड़ा ये कितने का है पूरा सेट? 25 रुपए का पेयर आएगा। 2500 रुपए का पूरा पेयर है तो देख सकते हो। और ऐसे लोगे 1200 से स्टार्टिंग करने, और ऐसा वाला लोगे तो आप 1200 से स्टार्टिंग है। और ये कितने का? ये भी अच्छा लग रहा है, ये 1900 रुपए का पेयर है। तो आप आ सकते हो भैया की शॉप पे, भैया का एक बार चेहरा भी दिखा दो अंदर। ठीक है, वैसे आपकी शॉप का नाम क्या है? आप एक बार तेज बोल सकते हो? हमारे शॉप का नाम है चैन इंटरप्राइज, शॉप नंबर 17 है। बाकी आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और आपको 5000 रुपये तक के अवेलेबल मिल जाएगा। फैंसी ब्लाउज मिल जाएंगे, जो डिजाइन बोलेंगे सारे मिल जाएंगे अवेलेबल। बट हमने वो 5 से लेना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आकाश को बोला था तेरी मर्जी, देख ले तुझे चाहिए तो ले सकते हैं वैसे, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर रहने दो, तो कहता मैं कहीं और से देखूँगा। मैं चल ठीक है, मैं कहीं और से देखूँगा। सूट लहंगा और जो कपड़ा होता है ना जो हम सिलवाते हैं थान बोलते हैं, तो उसको ले सकते हो। और टॉप्स वगैरह तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, तो जो है मैं आपको बता रही हूँ। टॉप्स होते हैं तो वो होते हैं सरोजिनी नगर में, ज़्यादा बेस्ट होते हैं, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, सूट के लिए, सूट के मामले में और लहंगा ब्लाउज चुन्नी मतलब इन सब के मामले में बहुत अच्छा था वो बैग। तो हम देखते हैं, चलो घर चलते हैं, टाइम भी हो रहा है, मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, 5:30 हो रहे हैं। तो हम लोग घर जाएंगे, तो घर पहुँचते 7 बज जाएंगे, तो हम घर चलते हैं। तो गाइस, ये अंकल छोले दे रहे थे और मतलब ये हमारे पास आए, उन्होंने बोला बेटा हमारी बिक्री नहीं हुई है सुबह से, तो फिर हमें लेना पड़ा। मगर आप इतने रेस्टोरेंट में खर्च करते हो तो प्लीज़ आप इन छोटे मोटे लोगों की मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, आप आओ लाजपत नगर, तो प्लीज़ ये अंकल आपको दिखते तो आप इनसे ज़रूर लेना, और रियल में ये अच्छे भी बनाते हैं, तो प्लीज़ 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 लेना, आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है। तो गाइस, आकाश और मैं, हम सचिन, हम तीनों थक गए थे यहाँ पे, और हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले और वो हमारे पास आए, तो उन्होंने बोला कि आप निशु हो, तो फिर मैंने बोला हाँ, तो मतलब थोड़ी खुशी हुई इस चीज़ के लिए। तो उस टाइम पर मैं क्या हुआ था कि मैं फ़ोन छोड़ दी, तो मैं वहाँ खड़ी हो गई थी और आकाश ने कोई शूट नहीं करा, तो उनके लिए थैंक यू। बट वो मेरा ब्लॉग देखेगी तो उनको पता लग जाएगा, तो उनके लिए थैंक यू। तो गाइज, अब हम लोग मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, हम थोड़ी देर बैठ भी गए थे क्योंकि हम थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो टाइम क्या हो रहा है, 6 बज चुके हैं, 6:09 हो रहे हैं,
और अब हम लोग घर जा रहे हैं। देख सकते हो मेरा फेस कितना काला हो रहा है, ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो आकाश कैसा लगा आज? सचिन कैसा लगा आज? मस्त लगा। तो हम सबको मज़ा आया, हमने एंजॉय भी करा और हमारे दो सब्सक्राइबर भी मिले, तो मैं और अच्छा लगा। तीन चार मिल गए शायद, तो हमें वो अच्छे, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो उनके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। और टाइम हो रहा है, मैं बता देती हूँ आपको, 7 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है मुझे, इसलिए अब मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी घर जाऊँ और जल्दी जल्दी बैठूँ, थोड़ा आराम करूँ, क्योंकि सच्ची में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो हम घर जाते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं और हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना। बाय बाय।